हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको एमबीबीएस। आज हम लोग बात करेंगे कर्नाटका के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन मेडिकल कॉलेज है। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स का सपना भी होता है इस कॉलेज में एडमिशन लेने का। तो आज मैं इस कॉलेजेस की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करूँगी और कॉलेजेस की कुछ डिटेल्स बताऊँगी कि ये कॉलेज आपकी कहाँ पर लोकेटेड है और इसकी एफिलिएशन क्या है, ठीक है। और ये वीडियो आपका पार्ट दो पार्ट्स में रहेंगे। आज वीडियो में पार्ट वन के बारे में डिस्कस करूँगी और जो पार्ट टू वीडियो है वो मेरी कल आएगी, ठीक है। तो चल ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो कॉलेज आता है वो है बेंगलोर मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, ठीक है। ये कॉलेज आपका बेंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका बहुत ही पुराना कॉलेज है। 1955 में ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था और ये वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आती है। और ये इस कॉलेज की जो फैसिलिटीज़ है वो भी बहुत ही बढ़िया है और ये हायर एजुकेशन क्वालिटी है इस कॉलेज में। और इस कॉलेज की टोटल एमबीबीएस सीट्स की बात करें तो 250 टोटल एमबीबीएस की सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एफिलिएशन की, ये कॉलेज किससे एफिलिएट है। तो ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से ये कॉलेज आपका एफिलिएट है। और अगर हम लोग बात करें सबसे इम्पोर्टेंट इसकी कट ऑफ की, आपको इसमें टोटल कितने स्कोर लाने हुए कि आप इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। तो अगर आपका स्कोर 680-685 के अराउंड अगर आपका स्कोर है ऑल इंडिया कोटा से, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। चलिए हम लोग आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पर, जो हमारा नेक्स्ट कॉलेज है। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है मैसूर मेडिकल कॉलेज। ये कॉलेज आपका मैसूर कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका ओल्डेस्ट कॉलेज में आता है। 1924 में ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था और ये बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज में भी आता है। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है। और इसमें अगर एमबीबीएस की टोटल सीट्स की बात करें तो इसमें एमबीबीएस की टोटल 150 सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात हम लोग जान लेते हैं इसकी कट ऑफ, इसमें टोटल आपको कितने स्कोर चाहिए। तो अगर आपका स्कोर 665 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। नेक्स्ट कॉलेज है हमारा जो कर्नाटका इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली। ये कॉलेज आपका हुबली कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका 1957 में इस्टेब्लिश हुआ था और ये आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है। और इस कॉलेज में अगर हम लोग बात करें इस कॉलेज की टोटल एमबीबीएस सीट्स की, तो इसमें टोटल आपको 200 एमबीबीएस की सीट्स देखने को मिलेंगी। और ये कॉलेज आपका हायर एजुकेशन ऑफ क्वालिटी का ये आपका कॉलेज है। और बात कर ले इस कॉलेज की फैसिलिटीज़ की, इसमें सारी लाइब्रेरी, कैफेटेरिया वाली, हॉस्टल की फैसिलिटीज़, ब्लड बैंक, एक्सीडेंट एंड एमरजेंसी, ओपीडी, इंडोर सर्विस, सारी चीज़ फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते हैं। और अगर बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ की, तो इस कॉलेज की कट ऑफ 650 के अराउंड जाती है। तो अगर आपका स्कोर इतना आता है नीट में तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो और आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो मंद्या इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज आपका मंद्या कर्नाटका में लोकेटेड है और ये आपका इस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात कर ले तो ये 2006 में ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है। और ये कॉलेज में भी आपको हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है और सारी बेस्ट फैसिलिटीज़ इन सारे कॉलेजेस में दी जाती है। और यहाँ पे हॉस्टल की फैसिलिटीज़ भी है मेल फीमेल दोनों के लिए। और बात कर ले इस कॉलेज में टोटल एमबीबीएस की सीट्स की, तो इसमें टोटल 150 एमबीबीएस की सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और अब बात कर लेते हैं हम लोग इसकी कट ऑफ की, इसमें टोटल आपको कितने स्कोर लाने होंगे। तो अगर आपका स्कोर 625 से 630 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। नेक्स्ट कॉलेज है वो है विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बिलेरी। ये कॉलेज आपका बिलेरी कर्नाटका में लोकेटेड है और ये 1961 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से भी एफिलिएट कॉलेज है। और बात करें इस कॉलेज की टोटल एमबीबीएस सीट्स की, तो इसमें टोटल 150 एमबीबीएस सीट्स आपको देखने को मिलेंगी। और बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ की, तो इस कॉलेज में आपको मैक्सिमम 625 से 627 के अराउंड अगर आपका कट ऑफ जाता है तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है बेलागवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज आपका बेलागांव कर्नाटका में लोकेटेड है, ठीक है। और सॉरी, बेलगाम कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका 2006 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ
हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है और इस कॉलेज में आपको हायर एजुकेशन मिलती है। वहाँ की जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है, सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाती है। अगर इसमें टोटल MBBS सीट की बात करें तो टोटल 150 MBBS सीट्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि कट ऑफ इसमें कितना आएगा। तो अगर आपका स्कोर 625 टू 630 के अराउंड अगर आपका कट ऑफ आता है, मतलब मीट में आप इतना स्कोर ला पाते हैं, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। अब जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉलेज है वो है एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, इसको ESIC मेडिकल कॉलेज नाम से भी जानते हैं। और ये कॉलेज आपका 2012 में इस्टेब्लिश हुआ था और इसमें टोटल 100 MBBS की सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटका से एफिलिएट कॉलेज है। और बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ की, इसमें टोटल आपको कितने स्कोर आने होंगे, तो अगर आप स्कोर आपका 635 से 637 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे, हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज आपका हसन कर्नाटका में लोकेटेड है और 2006 में ये कॉलेज आपका इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज भी आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है। और अगर बात करें इस कॉलेज में टोटल MBBS सीट्स की, तो इस कॉलेज में टोटल आपको 150 सीट्स देखने को मिलेंगी MBBS की। और ये कॉलेज आपका हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, यानी इस कॉलेज की जो एजुकेशन की क्वालिटी है बहुत हाई है और बहुत ही बढ़िया है। और बात करें इस कॉलेज की कट ऑफ की, तो 620 से 625 के अराउंड अगर आपका स्कोर जाता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे, शिमोगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शिमोगा। ये कॉलेज आपका शिमोगा कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज आपका बेस्ट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आता है और इस कॉलेज की क्वालिटी जो है एजुकेशन की वो बहुत बढ़िया और हाई क्वालिटी की है। और ये कॉलेज आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है। और बात करें इस कॉलेज में टोटल MBBS सीट्स की, तो इस कॉलेज में आपको टोटल 150 MBBS की सीट्स देखने को मिलेंगे। और अब बात कर लेते हैं इसमें कट ऑफ की, इसमें टोटल 620 से 625 के अराउंड अगर आपका नीट में स्कोर आता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए पूरी तरीके से एलिजिबल हो, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलेज पे, गुलबर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ये कॉलेज आपका गुलबर्गा कर्नाटका में लोकेटेड है और ये कॉलेज आपका 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था। और ये कॉलेज भी आपका राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस से एफिलिएट कॉलेज है और इस कॉलेज की भी एजुकेशन क्वालिटी बेस्ट है। और इस कॉलेज की अगर हम लोग टोटल MBBS सीट्स की बात करें, तो इस कॉलेज में टोटल 150 MBBS सीट्स आपको देखने को मिलेंगे। और अगर हम लोग बात कर लें इस कॉलेज की कट ऑफ की, इसमें कितना टोटल आपको कितने स्कोर आने पड़ेंगे, तो अगर आप स्कोर 620 या 621 के अराउंड अगर आपका कट ऑफ आता है या नीट स्कोर आपका इतना आता है, तो आप इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। जैसा कि मैंने इन सारे कॉलेजेस के बारे, ये सारे आपके एफिलिएटेड बढ़िया अप्रूव्ड कॉलेज हैं, MCA अप्रूव्ड कॉलेज है सारे, जितने कॉलेजेस के बारे में मैंने बताया है। और ये कॉलेज की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत अच्छी है सारी कॉलेजेस की। और इन सारे कॉलेजेस में आपको स्पोर्ट्स की सुविधा, लाइब्रेरी की सुविधा, कैफेटेरिया की, ICU सुपर स्पेशलिटी सेंटर की, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, ये सारी ब्लड बैंक की सुविधाएँ वहाँ पर अवेलेबल होती है, ठीक है। और हॉस्टल में भी बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड कराई जाती है। और जैसा कि मैं इस वीडियो में हर एक चीज़ डिस्कस करके बताया है, अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई और डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और मेरा पार्ट 2 अब फिर मैं कल अपलोड करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय।